अगर आप लोग ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं यूनिटी से, तो मैं आपको बताने वाला हूं आज की वीडियो में कि कैसे आप ऑनलाइन पैसा कमा पाएंगे। मंथली अर्निंग आपकी $351 से भी ऊपर हो सकती है अगर आप यूनिटी का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर यूनिटी का इस्तेमाल करने के लिए आपके पास एप्लीकेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर अपनी प्रोजेक्ट आई डी पर, यानी कि प्रोजेक्ट पर जाऊँगा और यहाँ पर आपको अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है। यूनिटी एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपकी एप्लीकेशन पे ऐड शो करता है, ये आप सभी लोगों को पता है। बट आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ और साथ ही साथ जो एप्लीकेशन का नया वर्जन आपको देने वाला हूँ उसके बारे में इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी है। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको टेलीग्राम पर रिस्पॉन्स नहीं दूंगा अगर आप इस टॉपिक के ऊपर मुझसे बात करेंगे, ठीक है। तो मैं वहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं दूंगा कि भाई ऐप कहाँ है, ऐप कहाँ है, ठीक है। ऐप इसी वीडियो में है, ठीक, कैसे मिलेगी इसी वीडियो में पता चलेगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम डालना होता है। यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैं अभी डाल देता हूँ XYZ टेस्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पर यह डाल दिया, उसके बाद यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर XZY मैंने डाल दिया है टेस्ट। यहाँ पर हमारा एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा जो कि नया प्रोजेक्ट होगा। आप लोगों को अकाउंट कैसे साइन अप करना है इसके ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो बना रखी है जिसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा। उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख लीजिएगा अगर आप बिल्कुल नए हैं तो, ठीक है। अकाउंट की सेटिंग करना भी आपको आ जाएगा। अब आगे के स्टेप आप लोग जान लीजिए। यूनिटी में बहुत सारे नए चेंजेस आ रहे हैं। यूनिटी ने यहाँ पर जो है एक और टीम से कॉन्टैक्ट किया है, यानी कि उनके साथ जुड़कर अब ये काम करेगा। तो उसके बारे में मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, बट पहले आते हैं टॉपिक पे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है मोनेटाइजेशन का ऑप्शन। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये कहेगा कि आपका जो यूनिटी का मोनेटाइजेशन है वो आपको अनेबल करना पड़ेगा, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है ऑलवेज फ्री, ठीक। तो ये फ्री है, आप इस प्लेटफॉर्म पे आके अपना अकाउंट फ्री में क्रिएट कर सकते हैं और फ्री में आप जो है अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो गेट स्टार्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कुछ बातें जो कि आपको ऑलरेडी पता है कि आपको यहाँ पर क्या भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग सिंपल सा आप यहाँ पर पहला ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। पहला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद ये कहेगा कि सेटअप करो, डू यू वांट टू यूज़ एड सेटिंग। तो हाँ, हम अपने पुराने ऐड सेटिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं अपनी इस ऐप का जो ऐड सेटिंग है वही यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये कहता है कि आपकी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर पब्लिश है कि नहीं है वो हमें बताइए। तो भाई हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर पब्लिश नहीं है तो मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा, आई डोंट पब्लिश ऑन गूगल प्ले स्टोर। तो उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड प्रोजेक्ट पर क्लिक कर दूँगा और हमारी जो गेम आईडी है वो बनकर तैयार हो गई है। ये गेम आईडी आपको कॉपी कर लेनी है। देखो जिस पे ये वाला आइकन बन रहा होगा एंड्रॉयड वाला, यानी कि गूगल प्ले स्टोर जिस पे लिखा आएगा गूगल प्ले स्टोर, ये वाली आईडी आपको चाहिए होगी, ठीक है, एंड्रॉयड डिवाइस के लिए। तो यही कॉपी करना है आपको। अगर आप एंड्रॉयड में अपनी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे, योगा अर्निंग एप्लीकेशन जो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर फ्री में, उस एप्लीकेशन का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आईडी आपको कॉपी करना है, अपने अकाउंट का कॉपी करना है, ठीक है। अपना अकाउंट खुद बनाकर उसमें जो आपको आईडी मिलेगी वो कॉपी करना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि मेरी आईडी को कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देते हैं। भाई इतना भोंदूपना वाला काम मत किया करो, ठीक है। आप मेरे भी अकाउंट सस्पेंड करा देते हो, यह तो मैं प्रोजेक्ट को डिलीट कर दूंगा यहाँ से, ठीक है। तो ये जो आईडी है ये डिसेबल कर दूंगा मैं, आपको अपनी आईडी मिलेगी यहाँ पर। बहुत सारे महारथी लोग ऐसे हैं जो मेरे अकाउंट की कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट करके कहते हैं आकर मेरे पास कि भाई वहाँ पर इंटरनेट स्पीड स्लो दिखा रहा है। भाई अपनी आईडी क्रिएट करके डालना है आपको, ठीक है, मेरी आईडी नहीं। तो ऊपर आई बटन में जो वीडियो है ना पहले वो देख लो, अगर आपको कुछ नहीं पता तो कॉपी कर लो। उसके बाद फिनिश प्रोजेक्ट सेटअप पे क्लिक कर दो, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ अब भाई 0000 आ जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं ECPM की। देखो यार, ECPM आपको फ्री एप्लीकेशन में बहुत कम मिलेगा, ठीक है, बहुत ही कम मिलेगा, मतलब कम मिलेगा समझ जाओ, क्योंकि ECPM इंक्रीज करने के लिए पैचेस आपकी एप्लीकेशन में लगाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर ये कुछ आपको गाइड बता रहा है, तो यहाँ पर मैं इसको डन कर देता हूँ। तो जो फ्री वाले यूज़र्स हैं उनको अर्निंग थोड़ा कम होगा और जो एप्लीकेशन को परचेज करते हैं, बाय करेंगे, उनके लिए स्पेशल एप्लीकेशन स्पेशल उनके लिए ही क्रिएट की जाती है। ऐसा नहीं कि वो पब्लिक एप्लीकेशन होती है। जो मैं आपको एप्लीकेशन दे रहा हूँ उसको बहुत सारे लोग इस्तेमाल करेंगे, पता नहीं कितने इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बट जो बंदा अपनी खुद की एप्लीकेशन लेना चाहता है, पर्सनल एप्लीकेशन लेना चाहता है, वो मुझसे परचेज करता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि अब देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ गई,
बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं आई हैं, तो बड़े ध्यान से देखो क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नया मिला है सेटअप गाइड्स का। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये कंप्लीट आपको गाइड देगा, ठीक। आपको इसको फॉलो नहीं करना है अभी फ़िलहाल के लिए, आपको इसे फॉलो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक। सेकेंड ऑप्शन आपको दिखता है यहाँ पर टेस्टिंग का, तो टेस्टिंग जो है ये भी आपको अभी कुछ नहीं छेड़ना है, ठीक। आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर, और सेटिंग्स के अंदर भी आपको कुछ नए ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर प्राइवेसी सेटिंग में अपडेट किया गया है इन्होंने, ठीक है, और गेम आईडीज़ के अंदर भी अपडेट किया गया है, और बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पर अपडेट किया गया है। तो अभी आपको यहाँ पर केवल टेस्ट मोड पर आना है और इसको पेंसिल पर क्लिक करना है, और यहाँ पर फोर्स टेस्ट मोड ऑफ कर देना है। यहाँ पर मेरा पहले से सिलेक्ट है, बट आपका यहाँ पर सिलेक्ट नहीं होगा, आपका कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, देखो ऐसे। तो आपको पहले इस पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर फोर्स टेस्ट मोड ऑफ पे क्लिक करने के बाद सेव कर देना है। मेरा ऑलरेडी यहाँ पर सेव है तो मैं कैंसिल करूँगा, बट आपको सेव पे क्लिक करना है। उसके बाद आते हैं ऐड डिलीवर स्टेटस पे, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये अनेबल रहना चाहिए, इसको चेक कर लीजिएगा कि ये अनेबल है, और उसको सेव कर दीजिएगा। उसके बाद आते हैं कि आपका जो एड्स एसडीके है उसका वर्जन चल रहा है गाइस 3.7.1, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अभी कुछ नहीं करना, यहाँ पर भी आप ऑप्शन इसको अनेबल कर सकते हैं, बट इसको जैसे ही आप अनेबल करते हैं तो ये आपको डिटेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, तो इसको आप ऐसे ही रहने दीजिएगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी नई चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा एक नई वीडियो के अंदर, बट अभी मैं आपको एप्लीकेशन देने वाला हूँ तो उसके बारे में भी आपको अच्छे से बता देता हूँ कि कैसे कैसे आपको मेन चीज़ों पर काम करना है, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग जो पुराने लोग हैं वो अपने अकाउंट की सेटिंग कर लीजिएगा, ठीक। इसके ऊपर एक नई वीडियो मैं कंप्लीट लेके आऊँगा जिसमें आपको पूरे अकाउंट की सारी चीज़ें को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता कि उनको करना क्या है इस प्लेटफॉर्म पे और क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, तो एक विस्तार में अच्छे से एक्सप्लेन करके वीडियो दूंगा यूनिटी की, जिससे आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अभी बात करते हैं यहाँ पर ऐड कंट्रोल्स की। तो यहाँ पर ऐड कंट्रोल्स में भाई अब आपके ऐड शो होते हैं, मतलब जो आप ऐड देखते हो ना उनको आप यहाँ पर ब्लॉक भी कर सकते हो, मतलब डिसेबल भी कर सकते हो, ब्लॉक भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर यहाँ पर ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है। तो वो ऑप्शंस के बारे में भी मैं अच्छे से आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो मैं कुछ जो नए नए टॉपिक्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एडसेंस की तरह, एडमोब की तरह, जैसे मैं पहले एडमोब में आपको हाई क्वालिटी एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म के बारे में बता देता था जिससे आपकी अर्निंग सीधा $5, $6, $8 ऐसे रिसीव होती थी एक क्लिक करने पर, वो सिस्टम अब इसमें भी आ चुका है। तो वो सिस्टम के बारे में पहले मुझे इसके नेटवर्क्स की लिस्ट को पैचेस जो क्रिएट किए गए होते हैं उनको निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको बताना पड़ेगा, फिर आप इस पर आके यहाँ पर अप्लाई करोगे, जब जाके आपको हाई रेवेन्यू एडवर्टाइजमेंट मिलेंगे आपकी एप्लीकेशन में, ठीक है। तो वो सिस्टम भी यहाँ पर आ चुका है और मैं पहले इसे क्लोज कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे कि यूनिटी एड्स रिपोर्ट भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, अब कि आपके ऐड की क्या रिपोर्ट यहाँ पर चल रही है। तो अभी मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है तो सब जीरो दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत से लोग क्या करते हैं कि एंटर स्टोर आईडी पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्लिक करने के बाद उनको फिर से यही दिखता है, ठीक है, जहाँ पर ये कहता है कि आप अपनी एप्लीकेशन का प्ले स्टोर URL डालिए। तो आप यहाँ पर आई डोंट पब्लिश पे कंफर्म कर दे और इसको यहाँ से आप जो है थोड़ी देर बाद ही यहाँ से खुद गायब हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ऐसी रहने देना। उसके बाद आते हैं यहाँ पर अपनी ऐड यूनिट आईडी पर, तो ऐड यूनिट आईडी पर हमें ऐड यूनिट आईडी मिलती है, इसको ही हमें कॉपी करना होता है, यही मेन आईडी है, ठीक है। और यहाँ पर और बहुत सारी नई चीज़ें हैं पर उनके बारे में मैं आपको अच्छे से बाद में एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो फॉलो नहीं की थी इससे पहले जो मैंने इस चैनल पे बनाई थी एडवांस एंड यूट्यूब चैनल पर, तो आपको नहीं पता चलेगा कि एप्लीकेशन आपको कैसे मिलेगी, तो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिए 18GamerZ, ये वाला आपको यूट्यूब चैनल मिलेगा, इसका सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और इसी में आपको एक वीडियो मिलेगी, ठीक है। इसी चैनल के अंदर आपको एक वीडियो मिलेगी, वही वीडियो देखने के बाद उसके अंदर एक कोड होगा, वो कोड आपका पासवर्ड होगा एप्लीकेशन का, ठीक है। जैसे ही वो कोड आपको रिसीव होता है वो पासवर्ड लेके आप जिप फाइल में डालेंगे और अपने जिप फाइल का पासवर्ड आपका खुल जाएगा, ठीक है। तो इस चैनल के अंदर आपको एक गेमिंग वीडियो मिलेगी जल्दी, जो अभी डालूंगा मैं, ठीक है। जैसे ये वीडियो पब्लिश होगी उसके तुरंत बाद
वहाँ पर आपको एक और वीडियो देखने को मिलेगी। तो उस वीडियो के अंदर आपको एक कोड मिलेगा जो कि बोला गया होगा, ठीक है, लिखा हुआ नहीं है, वहाँ पर बोला है मैंने कोड, ठीक है। तो वो कोड सुनने के बाद आपको अपनी पासवर्ड मिल जाएगी। पासवर्ड मिलने के बाद जो ये फाइल है उसको डाउनलोड करने के बाद आप एक्सट्रैक्ट कर पाओगे इजीली, ठीक है। तो और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, बट अब ये एप्लीकेशन को देख लेते हैं। तो भैया आ जाते हैं एप्लीकेशन पे। तो यहाँ पर हमने अच्छे से आपको बता दिया कि इस चैनल पे चले जाना 18GamerZ, इसको सब्सक्राइब कर लो। जो भी फ्री चीज़ मैं दूंगा उसका पासवर्ड आपको इसकी गेम वीडियो के अंदर मिलेगा, जो कि कंप्लीट देखने के बाद आपको इजीली रिसीव हो जाएगा। क्योंकि पासवर्ड मैं ऐसे बताऊंगा 1, कुछ देर बाद फिर बताऊंगा 6, है ना, तो कुछ ऐसे चलेगा पासवर्ड। तो वो आपको पूरी वीडियो देखने पर आपको पासवर्ड रिसीव हो जाएगा आपका कंप्लीट। तो बात कर लेते हैं अब यहाँ पर एप्लीकेशन की। तो गाइस सबसे पहले आते हैं हम अपनी एप्लीकेशन पर। तो मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ, इसको बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो भाई, ये है मेरे टेलीग्राम कुछ चैनल, ठीक है। तो योगो अर्निंग यानी कि योगो ऐप जो कि मैं आपको देने वाला हूँ वर्जन 6, उसके बारे में ही यहाँ पर, केवल योगो एप्लीकेशन के बारे में ही यहाँ पर मैं अपडेट देता हूँ। अब ना मैं अपनी वीडियो का स्टेटस मतलब वीडियो का लिंक शेयर करता हूँ यहाँ पर, ना कुछ करता हूँ। जिस टॉपिक के लिए मैंने चैनल बनाया है केवल उसी टॉपिक के ऊपर मैं यहाँ पर मैसेज डालता हूँ। तो आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल का बेल आइकन नहीं दबाया हुआ तो आपको मेरे अपडेट मिलने और रिसीव होने बंद हो जाएंगे और आप लोग बहुत पीछे रह जाओगे। जो चीज़ मिस हो गई एक बार वो दोबारा मैं बताता नहीं हूँ। तो यहाँ पर आपको मेरे योगो अर्निंग एप्लीकेशन के अपडेट मिलते रहते हैं और यहाँ पर मैं आपको सिखाता भी रहता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक मैंने ग्रुप बनाया है ज्वाइन ऑल चैनल, इसके अंदर ऑलरेडी 340 लोगों के आसपास आ चुके हैं। तो इस ग्रुप के अंदर मैंने अपने सभी ग्रुप के लिंक दे दिए हैं, जिन ग्रुप का अपना अपना खुद का अलग अलग काम है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन की। इस वीडियो के नीचे आपको इस ग्रुप का लिंक मिलेगा, मैं दिखा देता हूं। ये देखो ज्वाइन ऑल चैनल का आपको लिंक मिलेगा और यही जो चैनल है, ठीक है, इस चैनल को ज्वाइन करने के बाद आप मेरे सभी चैनल ज्वाइन कर लेंगे जिनके अंदर आपको उन्हीं चैनल के अनुसार इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक। और धीरे धीरे मैं इन्हें और भी ज़्यादा अपडेट करता जा रहा हूँ। तो बात कर लेते हैं भाई अब VPN की। तो यहाँ पर योगो अर्निंग एप्लीकेशन है, तो मैंने अभी इसके अंदर एक जो मेरा डिवाइस है वो रूटेड है, तो मैंने अभी इसके अंदर जो है एक फ्री VPN डाला है प्ले स्टोर से, टर्बो VPN हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे VPN मैंने सर्च किए थे, तो टर्बो VPN, अरे वाईफाई नहीं चल रहा क्या? ओके ठीक है, टर्बो VPN इसके अंदर है। तो मैं दिखा देता हूँ कि कुछ मैं सेटिंग्स करके रखता हूँ अपने इसकी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ऑलवेज ऑन VPN और ब्लॉक कनेक्शन विदाउट VPN, तो मेरा कनेक्शन जो है वहाँ पर ब्लॉक हो गया था, बट अभी जो मेरा कनेक्शन है वो चल पड़ा है। तो यहाँ पर मैं डालता हूँ कोई भी VPN, फ्री VPN। गाइज मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ट्रैक करते हैं, तो जो भी ट्रैक VPN है, ठीक है, आपकी बैंड बजा सकते हैं, आपके अकाउंट को सस्पेंड करा सकते हैं, क्योंकि इनमें ट्रैकिंग सिस्टम होता है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं इनकी इन्फॉर्मेशन में आपको वो चीज़ चेक करा देता हूँ, जहाँ पर ये आपको साफ साफ बता के रखते हैं कि भैया हम आपको ट्रैक करते हैं। तो जो मेरा VPN होता है, जो कि पेड VPN होता है, अनट्रैकेबल VPN, वो आपको ट्रैक नहीं होने देता, वो पता नहीं चलने देता है एप्लीकेशन को कि आप VPN का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसकी इन्फॉर्मेशन सेफ्टी वाली शायद इस वाले वर्जन में नहीं आएगी, क्योंकि मेरा ये अलग UI है डिवाइस का, ये रूट फ़ोन है मेरा, ठीक है, तो इसके अंदर जो है अलग सिस्टम मैंने डाल रखा है। तो चलो VPN ओपन कर लेते हैं। तो VPN ऐड दिखाएगा, यार पहले तो ये ऐड दिखाएगा, तो पहले इसका ऐड देखना पड़ेगा। तो आवाज़ कम कर लेता हूँ पहली, तो ठीक है ऐड नहीं आया, पर कनेक्ट करने पर इस पर ऐड आएगा। तो मैं यहाँ पर जो है कनेक्ट कर लेता हूँ यूनाइटेड स्टेट से, कोई भी आप कनेक्ट कर लो, ठीक है। पहले ही बता देता हूँ अगर VPN इस्तेमाल करना है तो अपने रिस्क पे इस्तेमाल कीजिएगा, मैं किसी भी फ्री VPN का या पेड VPN का यूज़ करने का आपको नहीं कहता, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि VPN कनेक्ट हो गया, ठीक। अब VPN जब कनेक्ट हो गया तो योगो अर्निंग ऐप का लेटेस्ट वर्जन आपको मेरे भाई मिलेगा, ये वाला, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका कुछ एप्लीकेशन ऐसे खुल जाएगा और ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन देगा कि आप जब कनेक्ट हो चुके हैं VPN से तो फेक इन्फॉर्मेशन पे आप आ चुके हैं, और जो आपकी रियल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आप देख सकते हैं रियल ईयर मतलब रियल लिखा है जहाँ पर, तो ये आपकी रियल इन्फॉर्मेशन है।
ये यहाँ पर 00 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये अब हाइड हो चुकी है, क्योंकि VPN कनेक्ट हो गया है। तो VPN कनेक्ट होने के बाद जो VPN की कंट्री है वो आ रही है यूनाइटेड स्टेट, कौन सी सिटी पे कनेक्ट है वो आ रही है, कौन सी कंट्री का कोड है US है, तो कंट्री का नेम क्या है यूनाइटेड स्टेट, और VPN कनेक्शन है VPN से, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन आपको बता रही है। अभी इसके अपडेट पे और भी काम चल रहा है, इसे और ज़्यादा एडवांस किया जाएगा, बट वर्जन 6 मैंने आपको ये दे देना है। कहाँ? 18GamerZX YouTube चैनल पर, जो नई वीडियो आएगी इस वीडियो को देखने के बाद आपको वहाँ पर जो वीडियो मिलेगी उस वीडियो के अंदर आपको इस एप्लीकेशन का कोड मिल जाएगा जिप फाइल का, ठीक है। वो कोड लेकर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करते ही वहाँ पर आप इजीली डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब इस पे काम कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने रियल इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए शो नहीं कर रहा क्योंकि ये मेरी करंट लोकेशन दिखा देगा, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा एक्यूरेट है ये कि मेरी रियल लोकेशन ये आपको शो कर देगा, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर रियल वाले को अभी आपको नहीं दिखा रहा, पर जब आप इस ऐप को ओपन करोगे बिना VPN के तो यहाँ पर ये आपको आपकी रियल लोकेशन दिखा देगा, ठीक है। तो मैं नहीं दिखा रहा अभी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर गेम आईडी की, ठीक है। तो गेम आईडी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने जो गेम आईडी क्रिएट करी थी उसी गेम आईडी पर हम जाते हैं और इसको यहाँ पर लगा देता हूँ इस तरीके से, इसको यहाँ लगा देता हूँ और इसको थोड़ा सा ऐसे नहीं, इसको यहाँ ले आते हैं और इसको कट कर देते हैं, इसको उठाकर इससे मिला देते हैं, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर देते हैं, राइट। तो ईजी रहेगा, ये देखो इस तरीके से मैंने कर दिया है, ओके। अब जो हमारी गेम आईडी है, ये गेम आईडी हमें कॉपी करनी है। यहाँ पर ये जो कॉपी आपकी गेम आईडी होगी उसको आप कॉपी करके यहाँ पर एप्लीकेशन में आप लिखेंगे 50157377। उन होशियार लोगों को कहना चाहूँगा भाई मेरी गेम आईडी को कॉपी करके मत डाला करो, नहीं तो मेरी अर्निंग हो जाएगी, ठीक है। अपनी गेम आईडी बनाओ अपने अकाउंट से, ठीक है, और उसको लगाओ। मुझे बार बार ठीक है कहना पड़ रहा है तुम लोगों की वजह से, समझ रहे हो ना। तो वीडियो को लाइक कर दो यार, अभी मुझे 200 लाइक चाहिए, ये सीरियस बात है, ठीक है। फ्री में दे रहा हूँ मैं, ये बार बार ठीक है नहीं चलेगा, तो लाइक मारो दबा के। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही आप अपनी गेम आईडी को पेस्ट कर दोगे तो आपको करना है एक्टिवेट गेम आईडी पर क्लिक। आप इस पर 3-4 बार क्लिक कर दीजिएगा आराम से, बड़े आराम से प्यार से दबाओ, ठीक है, टट्टे देके मारो इस पर अपने। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जैसे ही आप किसी भी ऐड पर क्लिक करोगे तो आपको ऐड शो होगा, जैसे रिवॉर्ड है या आपका फुल स्क्रीन ऐड है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ये योर इंटरनेट स्पीड स्लो दिखा रहा है। ये पता है क्यों दिखा रहा है, क्योंकि VPN कनेक्ट है, और फ्री VPN का यही सबसे बड़ा झंझट होता है कि वो आपको हाई स्पीड नहीं प्रोवाइड करता, वो आपको एक ऐसी स्पीड प्रोवाइड करता है जिसमें आपकी स्पीड बहुत कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, एक्टिवेट गेम आईडी पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर क्लिक करते हैं तो ऐड आ गया, देखो अब आ गया, ठीक है। तो ये आपका इंटरनेट की वजह से प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पर लिखाता है इंटरनेट स्पीड स्लो, एप्लीकेशन में दिक्कत नहीं है, ये आपके VPN कनेक्ट होने के बाद आपके इंटरनेट की स्पीड कम हो जाती है। अब देखो यहाँ पर ऐड आने लगे हैं, ठीक है। और गाइज एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं पूरे 24 घंटे में खुद काम करूँगा और उस 24 घंटे में जो मेरी अर्निंग होगी वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगा, ठीक है। एक ही वीडियो में मैं आपको एक अकाउंट नया क्रिएट करूँगा यूनिटी का, और उस नए अकाउंट के अंदर मैं खुद अर्निंग कर दूँगा, और खुद अर्निंग की जो मैंने की होगी उसको मैं लाइव आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा लंबा काम होगा घंटों का, तो थोड़ा आपको उसमें देखने को मिलेगा। तो रिवॉर्ड वीडियो पे क्लिक करते हैं तो रिवॉर्ड वीडियो का ऐड भी यहाँ पर मजे से चल रहा है। गाइज इस तरह की एप्लीकेशन लोग आपको मार्केट में पैसों में दे रहे हैं, इस तरह की एप्लीकेशन आपको फ्री में मिलनी चाहिए, जो कि मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ फ़िलहाल के लिए। और ये एप्लीकेशन जो है आप लोगों को बिल्कुल फ्री में मिलेगी मेरे गेमिंग चैनल पर, ठीक है। तो उसे जाके सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, ठीक। और यहाँ पर ये दोनों तरह से आपको ऐड शो कर रहा है, ठीक। अब यहाँ पर आप देखो कि काम करने का तरीका बता देता हूँ मैं आपको सिंपल सा। आप लोग 20 ऐड देखा करो एक घंटे के अंदर, ठीक है, और एक घंटे के अंदर आप लोग एक ही एप्लीकेशन को डाउनलोड किया करो, ठीक। 20 ऐड एक घंटे के अंदर, और एक घंटे के अंदर एक ही एप्लीकेशन को डाउनलोड किया करो VPN लगाकर या विदाउट VPN, जैसा भी आपका मन करे, ठीक है।
अब एक घंटे के अंदर आपने 20 ऐड देखे और एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली। उसके बाद मेरे भाई आपको क्या करना है, उसके बाद आपको 15-20 मिनट का वेट करना है या 30 मिनट का आप वेट कर लो, ठीक है। फिर एप्लीकेशन को खोलो और फिर वही दोहरा दो, रिपीट कर दो उसी चीज़ को जो आप लोगों को करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो नए नए ऐड आ रहे हैं, कोई भी रिपीटेड ऐड नहीं आ रहा, ठीक। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाऊंगा, अगर आप लोग देखेंगे इस हाथ वाले आइकन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको आपकी डिवाइस की रिपोर्ट आईडी दिखाएगा, यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। बट मेरे में से SDK की भी गायब हो चुकी है और सारी बिल्ड इन्फॉर्मेशन जो है, मैं बिल्ड इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखो कि SDK कौन से वर्जन का दिखा रहा है, 3.6.0, ठीक है। तो कितना पुराना है यार, ठीक, 3.6.0। तो यहाँ पर आपका जो है OS वर्जन 11 दिखा रहा है, ठीक। और ये लेटेस्ट फ़ोन है मेरा, ठीक, इसको मैंने कम्प्लीटली पैच कर दिया है और इसमें अब ये मेरे को ट्रैक नहीं कर पा रहा, यूनिटी मुझे ट्रैक नहीं कर पा रहा, मेरी कोई भी इन्फॉर्मेशन को ये नहीं लेके जा सकता और ना ही यहाँ पर मेरी डिवाइस आईडी दिख रही है, ना ही कुछ दिख रहा है। ये बेचारा मेरे से मेल मांग रहा है कि भाई अपनी मेल आईडी दे दो, कुछ तो दे दो जिससे मैं जो है रिक्वेस्ट कर सकूँ डाटा के लिए। तो भाई अब ये मेरे को ट्रैक नहीं कर पाएगा, मैं दबा के अर्निंग करूँगा, सेल्फ अर्निंग मैं दबा के करता हूँ। और ये डिवाइस को अनट्रैकेबल करना बहुत ही मुश्किल काम है, मैं पहले ही बता दूँ, मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा था, पर बार बार फ़ोन को स्विच ऑफ करना, ऑन करना, स्विच ऑफ करना, ऑन करना, ठीक है, बहुत घंटों वाला काम था। और जब जाके मैंने इसका जो है पैच को फिट कर दिया, अभी मैं इसकी प्रैक्टिस करूँगा, बार बार उसकी प्रैक्टिस करूँगा और जब मेरे माइंड में वो चीज़ सेट हो जाएगी, क्योंकि हर डिवाइस की सिक्योरिटी अलग होती है गाइस, मैं आपको बता देता हूँ, हर डिवाइस की सिक्योरिटी अलग होती है। पैच सिक्योरिटी आप जानते हैं ना, पैच सिक्योरिटी जो होती है आपकी, वो सिक्योरिटी इस तरह की आपकी गूगल ने क्रिएट की हुई है कि वो एडवर्टाइजमेंट को भी इफ़ेक्ट करती है। तो आपकी पैच सिक्योरिटी जो अपडेट आता रहता है आपके फ़ोन का, वही आपको ईजिली डिटेक्टेबल बनाता है, वही आपकी इन्फॉर्मेशन को पहुँचा देता है यूनिटी के पास कि भैया ये एक ही डिवाइस के अंदर काम हो रहा है, सेल्फ अर्निंग हो रही है। अब जैसे मेरी डिवाइस है, ये थोड़ी सी मैं आपको अंदर की बातें बता रहा हूँ, शायद आपके समझ में नहीं आए, ठीक, थोड़ा एडवांस चीज़ें हैं ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं बार बार ऐड देख रहा हूँ पर हर बार अलग अलग ऐड आ रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, इससे जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और कमेंट में आपका जो क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में, अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए कि भाई हमें नेक्स्ट वीडियो चाहिए किसके ऊपर, डिवाइस को अनट्रैकेबल कैसे बनाएं इसके ऊपर, ठीक है। या आपके ऊपर कोई भी आपके मन में आ रहा है, तो देखो यहाँ पे अब जो डिवाइस आईडी आती थी या रिपोर्ट आईडी आती थी वो कुछ यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा, ठीक, यहाँ पे सब कुछ मेरा हट चुका है। उसके बाद मैं इसको कट कर देता हूँ। तो ये एप्लीकेशन जो कि आपको लोग पैसों में देते हैं, मैं फ्री में दे रहा हूँ, भाई मेरे चैनल को शेयर करो, ठीक है, जितना शेयर करोगे उतना मैं ज़्यादा फ्री चीज़ें तुम्हें दूंगा, और जितना तुम सोचोगे कि चुपचाप हम काम कर लें अपना ही भला कर लें, तो उतना ही कम चीज़ तुम्हें मिलेंगी, जैसा करोगे वैसा प्राप्त होगा मेरे भाई, ये तो कर्म है, ठीक है। तो मैं ये सब चीज़ सभी लोगों के लिए मैंने फ्री कर रखा है, ऐसा नहीं एक दो के लिए कर रखा है, जिसको यूज़ करना है वो यूज़ कर सकता है, ठीक। एकदम नए नए ऐड आ रहे हैं, खुद देख लो, अब तक तुम अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो देख लो नए नए ऐड आ रहे हैं, ठीक है। तो मेरी डिवाइस तो कम्प्लीटली अनट्रैकेबल सिस्टम से काम कर रही है, तो मैं डिटेक्ट होना थोड़ा मेरा मुश्किल है। और जिन लोगों का अकाउंट सस्पेंड होता है, या तो उनकी डिवाइस में वो ऐसी चीज़ें, बहुत सारी गलतियां करते हो तुम, पता है तुम्हें, मैं तुम्हें उसके ऊपर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि भाई ये एंड्रॉइड से कैसे तुम डिटेक्ट होते हो, ठीक है। पर उसके लिए तुम्हें कमेंट करना होगा कि भाई वीडियो चाहिए कि कैसे हम बच सकते हैं सस्पेंड होने से, या कुछ भी पूछो पर कमेंट में पूछो मुझसे, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, 200 का एम है। मिलता हूँ मैं आपको गेमिंग चैनल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, यूनिटी के ऊपर एक अच्छे से एक्सप्लेन वाला वीडियो लाने वाला हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, मैं बार बार कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो और मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि यहीं पर आपको मिलेगी योगो अर्निंग एप्लीकेशन की जिप फाइल, ठीक है। तो मैं ये चीज़ें सबसे लास्ट में बताता हूँ। अभी यार ये नहीं खुलेगा क्योंकि VPN कनेक्ट है, धत तरीकी। चलो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप का नीचे मिल जाएगा, तो जाके उसे सब्सक्राइब करो, ठीक है, और मतलब टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको मेरी जिप फाइल मिल जाएगी उस ग्रुप के अंदर। और इजीली जल्दी से गेमिंग चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, इस वाले को, ठीक है, 18GamerZ को, और यहाँ पे मैं वीडियो डालने वाला हूँ, ठीक, जल्दी पहुँच जाओ। थैंक यू सो मच एंड लव यू गाइज़।